अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेक्शन बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इसमें थोड़ा सा ट्रिक से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। कुछ डेटा ऐसा है जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वो डेटा है जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड फॉर होगा। ये क्या है, बेसिकली लास्ट ईयर की कंपनी की बैलेंस शीट है। तो अगर आप देखें, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल आ रहे हैं कि हमने साल के शुरू में लोगों से कितने पैसे रिसीव करने थे, 90,000। ये हमने कैश बजट में यूज किया था। हमारे पास साल के शुरू में कैश कितना था, 42,500। अगर आपको याद हो तो ये देखिए, हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 42,500 से की थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो लास्ट ईयर की गिवन है कि लास्ट ईयर के एंड पे मेरे पास लैंड कितने की थी, 80,000 की थी। मेरे पास बिल्डिंग कितने की थी, 70,000 की थी। और बैलेंस शीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। तो ये हमें क्या बताता है, साल के एंड में मेरे पास इन अकाउंट्स में क्या क्या बैलेंस पड़ा हुआ है। एसेट्स कितने के पड़े हुए हैं मेरे पास, लाइबिलिटीज कितने की पड़ी हुई है मेरे पास, इक्विटी कितने की पड़ी हुई है। तो ये बैलेंस शीट है, एंड में क्या बचा हुआ है इन अकाउंट्स के अंदर। तो ये कब का बता रहा है हमें, 31 दिसंबर 2007 के एंड पे मेरे पास इन अकाउंट्स के अंदर, एसेट के अकाउंट के अंदर मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कितना पैसा बचा हुआ है मेरे पास, जो है वो करंट एसेट कैश में कितना पैसा बचा हुआ है मेरे पास, रॉ मटेरियल अकाउंट रिसीवेबल में कितना बचा हुआ है, रॉ मटेरियल में कितना बचा हुआ है, लाइबिलिटीज मैंने कितने की पे करनी है और इक्विटी कितने की पे करनी है। अब हुआ क्या, पिछले साल के एंड में मेरे पास ये सब चीजें पड़ी हुई थी। अब मैं जानना चाह रहा हूँ इस साल के एंड में क्या पड़ी हुई है। तो मैं क्या बना करूंगा, अब इस साल की बैलेंस शीट बनाऊंगा। बहुत सिंपल है, मैं लंबा इसको बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। जो डेटा गिवन है मैं उसी के साथ आपके साथ बात करता जाऊंगा। बेसिकली क्या, जब तक आप इसको एक दफा खुद अपने हाथ से नहीं गुजारेंगे ये आपको क्लियर नहीं होगा। ओके जी, कंपनी में हमें स्टार्ट में, अगर आपने याद हो तो हमने आपको बताया था कि उन्होंने कहा 130,000 रुपीज के वो लोग नए वो खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे। अगर आपने यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद हो, 130,000 रुपीज के लिए क्या खरीदेंगे, इक्विपमेंट खरीदेंगे। किसी और चीज की एसेट की बात नहीं हुई, सिर्फ किसकी बात हो रही, इक्विपमेंट की। तो अब हम आ जाते हैं जरा फिक्स्ड एसेट वाले सेक्शन में। हमारे पास दो तरह के फिक्स एसेट गिवन है, एक गिवन है लैंड और एक हमारे पास गिवन है बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन वगैरह। तो टोटल कह रहे हैं कि हम लोगों के पास ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पड़ा हुआ। अच्छा ओके, तो लैंड में तो उन्होंने कहा कोई इंक्रीज नहीं है। तो पिछले साल के एंड में भी लैंड 80,000 की थी और अभी भी लैंड जो है वो 80,000 की है। एक बात हो गई। दूसरी बात, आपके पास बिल्डिंग थी पिछले साल के एंड में 1,70,000 रुपए की, ये आपके पास थी 7 लाख रुपए की। अब आपने इसमें 130,000 का और इंक्रीज आ गया, तो अब आपके पास बिल्डिंग कितने की होगी, 8,30,000 की। कोई रॉकेट साइंस नहीं की, 7 लाख की पहले थी, 1,30,000 और ऐड हो गया। पिछले साल की डेप्रिसिएशन गिवन थी 292,000। इस साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे हम लोग, दो तीन तरीके। या तो हमारे पास कोई रेट गिवन हो, रेट नहीं गिवन तो हर बजट के अंदर हमने कोई ना कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रखा हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमने बनाया था SG&A, उसमें हमने डेप्रिसिएशन रखी थी कितनी, 40,000 रुपए की एक डेप्रिसिएशन रखी थी, नंबर वन। फिर हमने कोई और कहीं और देख लेते जाके, कोई और ऐसा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो हमने यहाँ पे अपने पास रखा हुआ, देखें 60,000 रुपीज की ये भी डेप्रिसिएशन रखी हुई। तो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डाटा हम उसी को कंपाइल करना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि इस साल में जो एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन है वो हमने 1 लाख रखी हुई है। तो हमने कुछ और नहीं किया, हमने पिछले साल की 2,92,000 की है, 292,000 की है, प्लस 1 लाख ऐड कर दिए तो मेरे पास आ गई 392,000 की। अच्छा, फॉर्मूला ये होता है कॉस्ट जितने का खरीदा था माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक कितना इस्तेमाल हो गया है। बकाया को हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जो हम कहते हैं कि एंड में बुक्स में इतने का एसेट पड़ा हुआ है। तो 8,30,000 रुपए की कॉस्ट है, 392,000 का हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो हमारे पास नेट एसेट्स पड़े हैं 438,000 के, ये वैल्यू आ गए। 80,000 की लैंड पड़ी हुई है, टोटल किया तो हमें पता चल गया 5,18,000 रुपए के हमारे पास फिक्स्ड एसेट पड़े हुए। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं, आगे चलते कैश कितना पड़ा हुआ। तो कैश का आपको एग्जैक्टली अगर आप मुझे कोई आप में से सोच के बताए, मैं जस्ट आई एम गोइंग टू पॉज फॉर 2 सेकंड, जरा होश से जरा बताओ, साल के एंड में हमारे पास कैश कितना था, हमने कहाँ से निकाला था, कैश बजट से 41,400। तो ये कहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, साल के एंड में कैश आ जाएगा 41,400 का, ये बात होगी। साल के एंड में 1,20,000 रुपए के रिसीवेबल है, वो कैसे आए जरा दोबारा 2 सेकंड, आई एम गोइंग टू गिव यू 2 सेकंड, जस्ट थिंक अबाउट इट। 1,20,000 रुपया साल के एंड में मैंने लेना है, वो हमने कहाँ पे कंप्यूट किया था,
एंडिंग रिसीवेबल हमारे कितने थे, 1,20,000 रुपए के। तो वही मैंने अमाउंट जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली कि 1,20,000 मेरे पास क्या है, रिसीवेबल। इसी तरह रॉ मटेरियल का हमने बजट बनाया था, तो रॉ मटेरियल में पेमेंट अगर याद हो किस तरह हो रही थी, 50% पेमेंट अभी हो रही है, 50% पेमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर में हो रही है। तो हम लोगों ने कितने किलो के पैसे देने थे, 22,500 kgs के हमने पैसे देने थे। पर केजी कितना था, 0.5, 4,500 रुपीज हमने ये पे करने थे। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री स्केड्यूल नंबर 6 में बना रहे थे हम लोग। स्केड्यूल नंबर 6 हमारे पास कहाँ पे आ रहा था, थोड़ा सा हमें आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। स्केड्यूल नंबर 6 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ओके जी, स्केड्यूल नंबर 6 इज आई थिंक दिस वन, प्लस माइनस कोई कमी हो जाए तो 39,000 रुपीज हमने साल के एंड में इनको पे करने हैं। मैं इसकी अलग से एक कैलकुलेशन भी आपको बता दूंगा, 39,000 रुपीज कहाँ से आ रहे हैं, बट 39,000 जो है वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है स्केड्यूल नंबर 6 से आ रही है। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल करंट एसेट्स आ गए, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स हो गए मेरे पास टोटल एसेट्स। पेएबल्स कहाँ से आएंगे, लाइबिलिटीज 27,900 रुपीज मैंने पे करने ही, हमने यहाँ पे बैलेंस शीट पे निकाले हुए थे 29,000 रुपीज की हमने पेमेंट करनी। फिर कॉमन स्टॉक वही का वही है जो पहले के शेयर थे वो अभी भी है, 175,000, ओनर की कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं आई भी। अच्छा, रिटेन अर्निंग का फॉर्मूला होता है, आखिरी साल कितनी थी इस साल का प्रॉफिट उसमें ऐड कर देते हैं, जो पैसे ओनर को हमने वापस कर दी डिविडेंड वो माइनस कर देते हैं, जो एंडिंग आंसर बनता है वो होता है क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग। तो हमारे पास पिछले साल के एंड में कितने थे, 44,949 थे, प्लस इस साल का प्रॉफिट अगर आपको याद हो कितना था, अभी हम निकाल के आए, वन ये रहा प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से 102,100, वो इसमें ऐड हो जाएगा। डिविडेंड हमारे कितने, 32,000 के, 8,000 पर क्वार्टर के हिसाब से डिविडेंड थे, 32,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग जो आ जाएगी वो आ जाएगी 520,000। इन दोनों को ऐड करेंगे, 695,000 की इक्विटी हो जाएगी, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी 722,900। तो ये हमने क्या किया, पूरा पूरा बजट बना लिया, हर चीज हमने अकाउंट फॉर इसके अंदर कर दी है, विद एक्सेप्शन ऑफ दैट, वो मैं अभी इसको आपको बता देता हूँ कि ये अमाउंट हमारे पास कहाँ से आई, 4,500 और 39,000 की। तो आपके पास ये वाला डाटा भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, पूरा बजटिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आप बिला झिझक कोई सा भी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ताकि आपका एक दफा हाथ खुल जाए, फिर किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कीजिएगा। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो, हम इसको गो एक दफा दोबारा गो थ्रू कर लें। थैंक यू, अस्सलाम ओके वालेकुम। जी, जो दो पॉइंट्स हमारे रह गए थे मैं उसको यहीं से क्विकली खत्म कर देता हूँ। साल के एंड में मेरे पास इन्वेंट्री जो है वो प्रोडक्शन बजट में गिवन है, 3,000 की फिक्स्ड इन्वेंट्री में पड़े होंगे माल, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। एक कितने का था, 13 का, तो 39,000 तो जो आ गया वो आ गया हमारे पास यहाँ से, तो ये वाली जो वैल्यू है 39,000 की ये हमारे पास यहाँ से आ गई। अच्छा, रॉ मटेरियल के बजट में आए तो रॉ मटेरियल के एंड में भी हमें पता है कि हमने 22,500 जो है वो एस्टिमेट करके रखा था। ये देखिए यहाँ पे एज्यूम्ड लिखा हुआ, वहां पे भी एज्यूम्ड लिखा था, यहाँ पे भी लिखा हुआ था, तो 22,000 kg हमने कहा था एज्यूम्ड हमारे पास पड़ा होगा, और 1 kg की कॉस्ट क्या आ रही है, 0.2, 0.2 है, 0.5 है, 0.5 है, और रॉ मटेरियल पर 0.2 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4,500 जो है ना वो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल के अंदर। तो हमारे पास दो चीजें पड़ी हुई हैं, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ 21,000 पाउंड का जो भी हमने देखा, 22,500 पाउंड का सॉरी, और जो हमारे पास फिक्स गुड्स पड़े हुए हैं वो 2,000 के पड़े हुए हैं। ये एक करेक्शन है, इट इज नॉट 21,000, इट इज 22,500। तो ये कैलकुलेशन यहाँ से आपको मिली है। तो आई होप सो आप पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसा मिसिंग डाटा अवेलेबल नहीं है।